तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल योर टेक सपोर्ट एंड गेमिंग में। तो गाइस, आज की ये वीडियो भाई थोड़ी स्पेशल होने वाली है भाई, मेरे उन भाई लोगों के लिए जो भाई जिन्होंने पिछली दो वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। एंड आपको पता है अराउंड पिछले 6-7 महीने पहले मैंने दो वीडियोस डाली थी अराउंड 1-1.5 महीने के गैप में। एक थी हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट फ्री ऑन पीसी, अराउंड भाई 9,900 के व्यूज उस पे क्रॉस होने वाले। तो सबसे पहले तो बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई कि इतना सपोर्ट किया। एंड जो सेकंड वीडियो है भाई वो क्रॉस करने वाली है, मतलब अराउंड कर चुकी है 3 लाख व्यूज, मतलब 300K व्यूज, जिसका टाइटल था हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट एंड एज वेल एज प्ले मल्टीप्लेयर, कैसे आप प्ले कर सकते हो क्रैक्ड सर्वर्स पे। एंड हाँ, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि भाई टी लॉन्चर का ये बता रहा है एंड टाइप। एंड काफी लोगों ने सपोर्ट भी किया कि भाई जो 2000 की गेम नहीं ले सकते एंड टी लॉन्चर पूरी तरह से क्रैक्ड नहीं है कहते हो, तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा इस पे। एंड गाइस, आज के वीडियो भाई उन भाई लोगों के लिए जो माइनक्राफ्ट के में बिगिनर्स हैं, जैसे कि मैं था। एंड मैं काफ़ी टाइम से, पिछले अराउंड 7-8-9 महीने जब से मैंने वीडियो बनाई है तब से माइनक्राफ्ट मैं खेल रहा हूँ। एंड भाई मज़ा करता हूँ, फुल हार्डकोर सीरीज भी, बैड वॉर्स भी, एंड सर्वाइवल तो हमारी फेवरेट है। एंड मल्टीप्लेयर एटनोस पे मैं खेलता रहता हूँ। तो गाइस, काफ़ी लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि भाई माइनक्राफ्ट में उसी वीडियोस के नीचे काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं। एंड हाँ, आई एम श्योर ये टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ ये एक लॉन्ग टर्म टॉपिक है एंड कभी ना कभी लोग सर्च करेंगे। एंड जो मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग, जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे डेली वीडियोस देखते हैं, बिग थैंक्स टू यू कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। एंड गाइस, अभी हम आज की इस वीडियो में, जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा, मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप माइनक्राफ्ट में शेडर्स इंस्टॉल कर सकते हो। और हाँ गाइस, इतना बताऊंगा ही नहीं कि शेडर्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी बताऊंगा साथ में। एंड आपको मैं शेडर्स बकायदा दूंगा भाई, मीडियम एंड के लिए, लो एंड के लिए और हाई एंड के लिए। मतलब अगर आपके पास GT 710 या उससे पुराना ग्राफिक कार्ड है, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, उस पर शेडर्स लगेंगे पहली बात तो। एंड या आपके पास मान लो 1050 Ti, 1650 एंड इस तरह से कुछ ग्राफिक कार्ड्स हैं, या फिर आपको भाई बीस्ट PC है आपके पास मेरे जैसा भाई, 30 सीरीज का है, 2060 सुपर, 2060, इस तरह से कुछ ग्राफिक कार्ड्स हैं, तो तीनों कैटेगरीज के जो PC एंड या लैपटॉप्स हैं उनके लिए शेडर्स मेरे पास हैं भाई। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा अच्छे बेकायदा, ठीक है? तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड इस वीडियो का कितना व्यूज टारगेट होना चाहिए मुझे बताओ चैट्स में। एंड वीडियो थोड़ी, इंट्रो थोड़ी लंबी हो क्योंकि भाई इतना बताना जरूरी है इस चीज वीडियो में, ठीक है? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड लाइक का टारगेट दे रहा हूं मैं 10,000 लाइक, थोड़ा ज्यादा हो गया बट कोई ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो भाई अगर आप लाइक जरूर से कर दो। एंड चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो, अभी है 1,12,000 सब्सक्राइबर, पता नहीं जब ये वीडियो 1,00,000 व्यूज क्रॉस करेगी कितने सब्सक्राइबर्स होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी भाई मेरे पास, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई टी लॉन्चर का क्यों बता रहे हो हम अगर ओरिजिनल माइनक्राफ्ट वाले हैं। तो भाई मैंने ओरिजिनल माइनक्राफ्ट भी है मेरे पास, तो भाई ओरिजिनल भी मैंने अपने डाउनलोड कर लिया है, बट मैं टी लॉन्चर इसीलिए अपने लाइव स्ट्रीम में शुभम इस प्लेइंग पे करता हूं, तो भाई इसीलिए मैं खेलता हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि भाई हमें तो क्रैक बता दिया ना, आप अच्छे ओरिजिनल माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। एंड टी लॉन्चर जेन्युइनली भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेम ओरिजिनल माइनक्राफ्ट जैसी है, जो मोजैक की तरफ से आते हैं उसी तरह से टी लॉन्चर सेम है बिल्कुल। एंड आज दोनों में आपको बताऊंगा दोनों में आप कैसे शेडर्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में आपको शेडर्स प्रोवाइड करूंगा मैं, तो भाई शेडर्स आप देख सकते हो अभी, आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे, मतलब ये गूगल ड्राइव का लिंक है जिस पे क्लिक करके आप एक फोल्डर डाउनलोड करना होगा, एक बेसिकली एक जिप फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो अगर आपको दिखाऊं तो एक जिप फाइल टाइप है कुछ, एक जिप फाइल पे जैसे आप मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, जिप विनरार या किसी भी सॉफ्टवेयर से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एक फोल्डर सा बन जाएगा ना, तो मतलब ये फोल्डर बन जाएगी, इसे जैसे ही आप ओपन करोगे, अगर आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो शेडर्स में जाके तीन तरह के, तीन अगर आपको पीसी कॉन्फ़िगरेशन है तो तीन पीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए शेडर्स हैं। पहला है लो एंड पीसी, अराउंड GT 710 या उससे थोड़ा हायर या थोड़ा लोअर अगर ग्राफिक कार्ड है आपके पास तो उसके लिए ये वाले शेडर्स हैं। आपको मतलब इसे एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे जिप फाइल में ही रहने दो। एंड साथ में मीडियम एंड है, जैसे 1050 Ti हो गया या उससे आजू बाजू वाले थोड़े ग्राफिक कार्ड अराउंड उसी प्राइस रेंज के, उसके लिए ये शेडर्स है ना। स्पेशली भाई मेरे एक प्रो बंदा है मेरे डिस्कॉर्ड पे, उससे मैंने एक एक शेडर्स लिया है भाई। एंड
सारे वायरस फ्री हैं, वायरस फ्री ऑब्वियसली भाई होंगे, आप ओरिजिनल माइनक्राफ्ट में भी डाल सकते हो और साथ ही साथ टी लॉन्चर में भी डाल सकते हो, है ना। तो और एक हाई एंड जैसे भी भाई अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये वाला ग्राफिक कार्ड है, अगर भाई ये अगर आपको दिखाऊं तो भाई मेरे पास पीसी आपको पता है 3070 वाला है, तो 3070 वाला भी ऐसे इस तरह या 2060 सुपर इस तरह से अगर आपका ग्राफिक कार्ड है उसके लिए रिसोर्स पैक भी है। सीयूस पीटीजीआई मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैंने तो भाई पर्सनली खरीदा है, बट आप भी ये वाले फ्री हैं वैसे जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको कैसे इंस्टॉल करने में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना माइनक्राफ्ट लॉन्चर खोल लेना है। माइनक्राफ्ट पे पहले आपको बता देता हूँ, माइनक्राफ्ट आपको खोलना है सिंपली। तो आप देख सकते हो ये मोजैंग का भाई माइनक्राफ्ट ऑफिशियल वाला है भाई, कोई क्रैक नहीं कहेगा इसको, ठीक है। एंड सिंपली मैं प्ले पे क्लिक कर देता हूँ एंड कैमरा एंगल थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप जैसे मैंने प्ले पे क्लिक किया तो भाई माइनक्राफ्ट चल जाए तो सह लेंगे थोड़ा, और तो क्या ही है भाई। एंड माइनक्राफ्ट चल गई है, मैं देख लेता हूँ आउटपुट कैप्चर मेरा ठीक आ रहा है नहीं। रुको, आउटपुट कैप्चर थोड़ा मैं कम ही कर देता हूँ क्योंकि ना फिर पता नहीं लगता कई बार। तो भाई माइनक्राफ्ट भाई फाइनली चल गई। आपको सिंगल प्लेयर मतलब इंस्टॉल करने के लिए ओरिजिनल माइनक्राफ्ट में आपको एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, आपको ऑप्टिफाइन चाहिए होगा अगर आपको शेडर्स इंस्टॉल करने हैं। तो आपको सिंपली यहाँ लिखना है ऑप्टिफाइन डाउनलोड, ठीक है। ऑप्टिफाइन डाउनलोड आपको गूगल पे लिखना है, इसका भी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ मिरर पे क्लिक करके जैसे मुझे बताया भाई उसको वैसे मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कि आप इस वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करोगे, मिरर पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्टिफाइन डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली इस पर आपको क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ इंस्टॉल तो आप मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं जाता हूँ दोबारा से माइनक्राफ्ट में, आपको शेडर्स कॉपी पेस्ट है, जस्ट कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल कॉपी पेस्ट आपको करना है। सिंपल आपको ऑप्शंस में जाना है माइनक्राफ्ट खोल के। टी लॉन्चर का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है भाई, बाकी मैं आपको फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए बता दूंगा। तो माइनक्राफ्ट खोलना है, ऑप्शंस में जाना है, यहाँ आपको जाना है वीडियो सेटिंग्स में, और यहाँ आपको जाना है, कितनी बार कह रहा हूँ जाना है बट जाना है तो जाना है, आपको शेडर्स में जाना है। और आप देख सकते हो यहाँ नीचे लिखा हुआ है शेडर्स फोल्डर, आपको मतलब बेसिकली इस पर आप क्लिक करोगे तो उस फोल्डर में आपको रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ शेडर्स पड़े हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो भाई ये देख सकते हो भी मैं उसी पेज पे आ गया हूँ, मतलब उसी फोल्डर में आ गया हूँ जहाँ मुझे सिंपली कॉपी पेस्ट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया था ना शेडर्स को कॉपी पेस्ट करना है। तो ये देख सकते हो मैं दो विंडोज़ खोल लेता हूँ अच्छे से आपको अगर बताऊँ तो, ये दो विंडोज़ खोल लिया मैंने एंड सिंपली इस पे शेडर्स पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मेरा पीसी हाई एंड है थोड़ा, मतलब कह सकते हैं अपन हाई एंड कैटेगरी, आप सभी की सपोर्ट की वजह से ही मैंने लिया पीसी भाई। एंड हाई एंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये ऊपर वाला रिसोर्स पैक है एंड सिंपली आपको इस पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो, उसी फोल्डर में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है भाई। और कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कहते हो तो मैं लो एंड भी, मैं हाई एंड पे लो एंड भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये भी सारे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और वो रह गई रिसोर्स पैक की बात, तो रिसोर्स पैक आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपली आप बैक जाओगे तो ऐसे आप देख सकते हो ऊपर रिसोर्स पैक वाला एक फोल्डर मिल जाएगा आपको माइनक्राफ्ट भी यही डॉट माइनक्राफ्ट में। तो सिंपली मैं हाई एंड में ना मेरे एक रिसोर्स पैक पड़ा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको सारा कुछ बंद करो अपना, माइनक्राफ्ट दोबारा से ओपन करो भाई, सारे शेडर्स आ गए। जैसे अभी मैंने शेडर्स यूज वाला लगाया था रिन्यूड, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो भाई पहले मैं रिमूव करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि पहले इंस्टॉल्ड था शेडर। मैंने ऑफ कर दिया है सिंपली। अभी मैं जाता हूँ अपना, मैं थोड़ा बहुत घर सा बना रहा था माइनक्राफ्ट में अपना, YTSG की दुनिया कुछ भी भाई, सस्ते नशे। तो आप देख सकते हो अभी मैं हूँ गेम के अंदर, ये वाला मैंने कुछ घर बनाया था, ये छोटा सा मतलब अराउंड दो घंटे के आसपास ये मेहनत है मेरी, थोड़ा बहुत अपना इन्वेंट्री में भी था कुछ सारा कुछ, ठीक है। एंड ये देख सकते हो सारा कुछ, डायमंड भी है ऑब्वियसली भाई, डायमंड पिकैक्स भी है मेरे पास। तो ये देख सकते हो अभी मतलब ठीक ठाक सा लग रहा है। एंड मैं दोबारा से अगर बाहर जाके दिखाऊँ ना, ये थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है भाई। अपने अभी शेडर्स लगाता हूँ एंड अभी FPS मेरे आ रहे हैं, और कंटिन्यूसली जो भी कहते हैं 144 FPS आ रहे हैं। ऑप्शंस में जाके, वीडियो सेटिंग्स में जाके, शेडर्स में जाके, जो आपके PC के अकॉर्डिंग शेडर्स आपको इंस्टॉल कर लेना है। सीयूस अल्ट्रा इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं और भाई मैजिक होने वाला है विद इन कुछ मिनट। फाइनली गाइस, फाइनली अल्ट्रा वाले। अभी भाई FPS मेरे कुछ खास ड्रॉप नहीं हुए, 144 आ रहे थे, अभी 133 के आसपास है और फाइनली मैंने ये चीज़ इंस्टॉल कर लिया। अभी आप मल्टीपल शेडर्स मेरे को पता नहीं लगा सकते हो, यानी ऊपर पंगा लेके देख लेते हैं। रिन्यूड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आई गेस नहीं कर सकते बट भाई FPS ठीक आ रहे हैं मेरे यार, मतलब पूरा रियलिस्टिक वाली फील आ रही है भाई अभी तो। खुल जा भाई बद्दा हेल भाई, चलो खा ही लेते हैं भाई। अभी आप देख सकते हो एक ही चीज़ अगर आपको लेके जाओ ना ऊपर नीचे कहीं, मैं जा नहीं सकता यार, खुल पता नहीं का ही नहीं रहा यार, नशे ना नशे।
ये देख सकते हो भाई, व्हाट द हेल, मैंने अंदर माइनिंग वाइनिंग करता रहता हूँ, ये देख सकते हो किस तरह से भाई ये चीज़ है काम करती है भाई माइनक्राफ्ट वाले। एंड यहाँ कुछ पड़ा है नहीं, अच्छा ये गंदा मंदा सामान पड़ा है, और ठीक है भाई सारा कुछ ऐसा चलता रहेगा। और हाँ आपको एक और चीज़ दिखाऊँ भाई, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वीडियो तो लंबी हो रही है, बट कोई ना आपको दिखा देता हूँ भाई, फिर बार बार कौन सा वीडियो मैं बना रहा हूँ भाई इसके टॉपिक के ऊपर। तो भाई बाहर का सीन कुछ अलग ही है भाई ये चीज़, तो मेरे को पूरा मज़ा आ गया भाई देख के। एंड बाहर चलते हैं अपन, इसको बंद करते हैं भाई, ज़ोंबीज़ ज़ोंबीज़ ना अंदर चले जाएं। एंड आपको मैं डायमंड पिकेक्स दिखाता हूँ किस तरह से थी पहले एंड किस तरह से हो गई अब मेरी डायमंड पिकेक्स ये रही। एंड आप देख सकते हो भाई डायमंड पिकेक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है भाई, अगर आपको F5 से होता था आई गेस TPP भाई। मेरा बंदा देखो भाई, व्हाट द हेल, आइए गाइस आइए, तो भाई मतलब मज़ा आ गया। तो भाई अभी मैं आपको सेम प्रोसीजर में इसको मैं कर देता हूँ Alt F4 एंड सिंपली दोबारा से जाता हूँ टी लॉन्चर में। टी लॉन्चर माइनक्राफ्ट मैंने ओपन कर लिया है एंड ऑब्वियसली भाई एक जैसा फोल्डर है तो सारा कुछ मेरा मैप मूप सेम ही हो गया ना। ओ भाई बाहर रह गया मैं भाई, मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऑप्टिफाइन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, सिंपली आपको यहाँ ऑप्टिफाइन सीधे ही मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो, एंटर द गेम पे क्लिक करना है आपको और गेम के अंदर मैं चला जाऊंगा। पता नहीं वीडियो कितने मिनट की बन गई भाई, 10-12 मिनट की वीडियो बन गई, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। ये मोजैंग देखो सेम है भाई, बिल्कुल कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है भाई इस ओरिजिनल में और टी लॉन्चर में, बस एक दो ऑफिशियल सर्वर पे आप नहीं खेल सकते हाई पिक्सल वगैरह पे। सिंपल मैं YTFC की दुनिया में जाता हूँ, वहाँ भी ऑलरेडी सेम फोल्डर है तो शेडर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे भाई। एंड देख सकते हो भाई वहाँ सेम फोल्डर है तो शेडर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो गए, बट जैसे मान लो आपके पास ओरिजिनल नहीं है टी लॉन्चर है तो सेम प्रोसीजर है, सिंपली आपको जाना है ऑप्शंस में, वीडियो सेटिंग्स में, शेडर्स में, शेडर फोल्डर में जाके वो जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं, और कोई सा भी शेडर लगाओ आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग और मज़े करो। एंड हाँ गाइस मान लो शेडर मान लो थोड़ा आपने हैवी कर लिया है ना डाउन मतलब इंस्टॉल आपके पीसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, एंड पानी कितना ही अच्छा लग रहा है, तो एक और ऑप्शन भी है इसमें, वो है भाई इसमें शेडर्स की वीडियो सेटिंग को थोड़ी आप कम कर सकते हो, शेडर्स में जाके यहाँ देख सकते हो ऊपर सेटिंग्स है, यहाँ इसकी सेटिंग्स आप कम कर सकते हो, एंटी अलाइजिंग है, नॉर्मल है, इसको आप मतलब इसे आप चेंजेस थोड़ा बहुत पंगे लोगे तो खुद आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो बाकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कैसे शेडर्स इंस्टॉल किए जाते हैं माइनक्राफ्ट में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये और वीडियो पसंद आई होगी एंड जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चलते हैं जल्दी से आउट की तरफ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, लास्ट पे गाइज सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बट उससे पहले भाई जल्दी से वीडियो को अपने सारे माइनक्राफ्ट जो प्लेयर्स हैं भाई आपके डिस्कॉर्ड पे, व्हाट्सएप पे, आपके भाई लोग हैं बड़ा भाई छोटा भाई सभी को शेयर कर दो, ताकि जल्दी से इस वीडियो को भी भाई 100K व्यूज मिल जाए जल्दी से, है ना। तो लास्ट पे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड लाइक करते रहिए मेरे चैनल की सारी वीडियोस को। एंड आप मेरे को बताओ अभी 1,12,000 सब्सक्राइबर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा भाई इस चैनल पे, आप जब वीडियो देख रहे हो कितने सब्सक्राइबर है कमेंट्स में बताओ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट लगा लो अपने आप, बाय बाय गाइस।